नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। कमेंट करके बताइए। आज की पहली खबर है कि दिया कुमारी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल सीताराम अग्रवाल ने कई पार्षदों को भी दिलाई सदस्यता। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के खिलाफ कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सीताराम अग्रवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया है, साथ ही कई कांग्रेसी नेताओं को भी शामिल कराया है। सीताराम जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा की दिया कुमारी के हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीताराम अग्रवाल भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद अग्रवाल ने कहा कि मैं बीच में 10 साल तक रास्ता भटक गया था, लेकिन आज फिर यू टर्न लेकर आया हूँ। राजस्थान के 16 जिलों में आज ओलावृष्टि बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज से वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव शुरू हो गया। कोटा, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के जिलों में आज सुबह से आसमान में बादल छा गए। कोटा संभाग के जिलों में देर रात कई जगह तेज हवा चली। मौसम विभाग ने आज जयपुर समेत 6 संभाग के 16 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 12 अप्रैल से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके प्रभाव से सरहदी जिलों में अंधड़ आने की आशंका है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान। राजस्थान रॉयल्स की टीम का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अभिवादन किया। मंगलवार देर रात राजस्थान रॉयल्स की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां भजन लाल शर्मा ने पूरी टीम का राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शर्मा ने भी राजस्थान रॉयल्स टीम के सभी खिलाड़ियों से मिलकर उन्हें शानदार परफॉर्मेंस पर बधाई दी। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स टीम द्वारा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को टीम की पिंक कैप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के सिग्नेचर वाला बैट, टी शर्ट और बॉल भी गिफ्ट की। इस दौरान खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ ही राजस्थान रॉयल्स के सीईओ जैकलश मिक्रम और वाइस प्रेसिडेंट राजीव खन्ना मौजूद रहे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 338 अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बोर्ड ने 338 अभ्यर्थियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद यह अभ्यर्थी राजस्थान में होने वाली किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इनमें से किसी को भी प्रदेश के किसी सरकारी विभाग में नौकरी नहीं मिलेगी। पिछले एक साल में 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को बोर्ड इस तरह बैन लगा चुका है। बोर्ड की पिछले दिनों आयोजित भर्ती परीक्षा में इन 338 अभ्यर्थियों के नकल और फर्जीवाड़ा करने की शिकायतें सामने आई थी। इनमें सबसे ज्यादा 240 अभ्यर्थियों पर फर्जी डिग्री जमा करने का आरोप है, जबकि 92 अभ्यर्थियों पर गलत तरीके से परीक्षा पास करने और 6 अभ्यर्थियों पर डमी कैंडिडेट बैठाने का आरोप है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जी सिक्योरिटी मिली। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC राजीव कुमार को केंद्र सरकार ने जी सिक्योरिटी दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF को 40-45 कर्मियों की टुकड़ी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव के चलते संभावित खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। 1 मई तक घोषित होगी टीम वर्ल्ड कप टीम। T20 वर्ल्ड 1 जून से वेस्टइंडीज और अमेरिका में होना है। इसके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC को 1 मई तक संभावित खिलाड़ियों के नाम भेजना है। क्रिकबज के मुताबिक IPL में धमाकेदार परफॉर्मेंस के चलते विराट कोहली ने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। वहीं इंजरी से वापसी करने वाले विकेटकीपर आर्षभ पंत और युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव के नामों पर विचार चल रहा है। स्कूल से कक्षा 9 और 11वीं के परीक्षा पेपर चोरी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सिरोही जिले की कालंद्री पुलिस ने सरतरा विद्यालय से कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षा पेपर चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से चुराए गए पेपर भी जब्त कर लिए गए हैं। PM मोदी का राजस्थान दौरा, कल करौली में सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के लिए अब तक चूरू, जयपुर ग्रामीण पर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरे चरण में आने वाली अजमेर लोकसभा में भी मोदी रोड शो कर चुके हैं। कल वे करौली में सभा करेंगे। SMS हॉस्पिटल में अब जांच रिपोर्ट मोबाइल पर मिलेगी। सवाई मानसिंह,
SMS। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब अपनी जांच रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल या ई मित्र सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल प्रशासन ने अब मरीज के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। फिलहाल ये सुविधा उन मरीजों के लिए है जिनका मोबाइल नंबर जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पर अगर मरीज या उसके परिजन ने व्हाट्सएप चालू कर रखा है तो मरीज की रिपोर्ट तैयार होने के तत्काल बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का डीन बोला, पता नहीं कितनों को डिग्रियां दी। मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार चित्तौड़गढ़ के डीन कौशल किशोर चंद्रुल ने SOG की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डीन ने SOG को बताया कि उसे नहीं पता कि वह आज तक कितने छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांट चुका है। वह पिछले 5 साल से छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांट रहा था। उसने चित्तौड़गढ़ ही नहीं नोएडा में भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी की कई फर्जी डिग्रियां बांटी हैं। ऐसे में SOG की टीम जांच के लिए डीन को गंगरार चित्तौड़गढ़ और नोएडा लेकर जाएगी। जीर्ण माता में शेखावाटी का पहला रोपवे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जीर्ण माता मंदिर परिसर में बनाया गया रोपवे आज पूजा अर्चना के बाद शुरू हो गया। पिछले कई महीनों से रोपवे का ट्रायल चल रहा था। जीर्ण माता मंदिर से पहाड़ी पर स्थित काजल शिखर माता मंदिर तक 500 मीटर लंबाई में बने इस रोपवे का काम करीब 1 साल पहले शुरू किया गया था। 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं और पर्यटकों आने जाने में सुविधा होगी। हाई कोर्ट ने कहा शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ED ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट ने फैसले में CM को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। आप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। APP के 181 पदों के लिए करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 के कुल 181 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। कैंडिडेट्स 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान की इस लोकसभा सीट पर चुनाव बना रोचक। कांग्रेस की अपील, हमें ना दें वोट। राजस्थान के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस चाहती है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स उनकी पार्टी को वोट ना करें। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से कार्यकर्ता और वोटर्स अजीब स्थिति में फंसे हुए हैं। दरअसल डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी BAP समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन प्रत्याशी अरविंद डामोर के नामांकन वापस नहीं लेने से उन्हें कांग्रेस का सिंबल मिल गया है। ऐसे डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस ने डामोर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौसने जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।